भागवत जी में पंडित जी एक प्रसंग सुनाते हैं कि भगवान कृष्ण कालिया नाग को मारने के लिए एक कदम के पेड़ के ऊपर चढ़े और फिर गेंद को लेने के लिए कूद पड़े। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही। जीजियो सही है नी? हाँ नहीं, कथा कहीं गड़बड़ होनी ना तो तुम तो बिल्कुल बोल दिया करो कि कथा गड़बड़ हो गई, ठीक है, तुम्हारा सुधर जाएगा। माई होती है जो बेटे को सुधार सकती है, और आप सब मेरी माँ हो, अपने बेटे को सुधारने का हक आपका है, आप सुधार सकती हैं। कहीं पे भी गड़बड़ होना तो तुरंत बोल दो, ए छोरा, ए नाना, बस उतनी देर में तुम्हारा सीधा। तो तुम तो बिल्कुल कई दिक्कत नहीं, अपने अपन कथा करने बैठे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि महाराज ही महाराज बोलेगा, तुम भी बोल सकते हो। कदम के पेड़ के ऊपर भगवान कृष्ण चढ़ गए और वो गेंद को लेने के लिए कूद पड़े। श्रीमद् भागवत कथा में आता है कि यमुना जी के घाट पर कालिया नाग के विष से यमुना इतनी विषैली हो गई थी कि जितने घाट पर जितने पेड़ थे, जितने वृक्ष लगे थे, वो सारे के सारे सूख चुके थे। जितने वृक्ष, जितने पेड़ लगे थे यमुना जी के घाट पर, वो सब सूख चुके थे। केवल एक वृक्ष ऐसा था कदम का यमुना जी के घाट पर, जिस पेड़ पर, जिस वृक्ष पर मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण चढ़ा था, बस वो वृक्ष हरा भरा था और उसी पर मेरा कन्हैया चढ़कर यमुना जी में कूदा था। एक वृक्ष, बाकी के जितने यमुना जी के तट पर, यमुना जी के घाट पर जितने वृक्ष थे, जितने भी पेड़ लगे हुए थे, वो सब कालिया नाग के विष से, सब विष के कारण सूख चुके थे। केवल एक कदम का पेड़ जिस पर मेरा ठाकुर चढ़ा था, मेरा कृष्ण चढ़ा था, वो हरा भरा था। जब कन्हैया वापिस लौट कर आए, गेंद लेकर आए, कालिया नाग को भगाए, तब राधा जी ने पूछ लिया, ठाकुर एक बात बताओ, यमुना जी के आसपास के सारे वृक्ष कालिया नाग के विष से सूख चुके थे, फिर ये वृक्ष हरा भरा क्यों था? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस समय पर अमृत लेकर जा रहे थे देवता, तब उसकी एक बूंद इस वृक्ष पर गिर गई थी, इसलिए ये वृक्ष हरा भरा था। अब ये तो हो गई भागवत कथा। सारे वृक्ष सूखे हुए थे और एक वृक्ष हरा भरा था, क्योंकि उस पे अमृत की बूंद गिर गई थी। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस पर शिव महापुराण की, शंकर की करुणा की अगर बूंद गिर जाती है, दुनिया सूख जाए पर वो नहीं सूख पाता जिस पर गिरी है अमृत की। आप शिव की आराधना करो, अरे तुम रोज रोज मंदिर जाओगे, पशुपति व्रत करोगे, भगवान की भक्ति करोगे ना, तो पड़ोसियों की भी मुखाग्रविंद की जिब्या सूखने लगेगी। अरे बताओ, इसके यहाँ तो खूब आरिया मान, इसके यहाँ तो खूब कृपा हो रही है, बताओ बड़ी बड़ी कृपा हो रही, इसकी छोरी तो बताओ, इसके बहू के तो छोरा हो गया, इसके यहाँ तो 8 साल से औलाद नहीं थी, 6 साल से औलाद नहीं थी, इसके यहाँ तो ये बीमारी थी, फिर ठीक कैसे हो गई? अर्थात सारी दुनिया के वृक्ष सूख जाए पर मेरा शिव की आराधना, भगवान का भजन, शंकर का स्मरण, ये सूखने नहीं देगा आपको, आपको हरा की हरा बनाकर रहेगा, ताजा की ताजा बनाकर रहेगा। अब भक्ति तो करो, भजन तो करो, स्मरण तो करो,